सभी को नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से मैं PMFM योजना की क्षमता निर्माण गतिविधि के तहत सूखी खुबानी प्रोसेसिंग पर वीडियो प्रदर्शन सत्र के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। खुबानी एक प्रूनस प्रजाति का फल है जो कि रोसकेस परिवार का प्रूनस अरबिनाए का एल का हिस्सा है। खुबानी की खेती का अपना क्षेत्र पूर्वोत्तर चीन में है, जबकि जंगली खुबानी जिसे जर्दालू के नाम से जाना जाता है भारत के लिए स्वदेशी का प्रतीत होती है। यह एक अच्छी तरह से विभेदित सत्र के साथ जलवायु में उगाया जाने वाला तापमान फल है। खुबानी में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सेलेनियम जैसे आवश्यक खनिजों की मात्रा होती है, जबकि सोडियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर भी कम मात्रा में मौजूद होते हैं। खुबानी में कार्बनिक अम्ल होते हैं जो कि प्रमुख अम्ल के रूप में मौलिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल हैं, और ये फिनोल का एक अच्छा स्रोत भी पाया जाता है। इसी तरह खुबानी में पाए जाने वाले विटामिन प्रो, विटामिन ए और विटामिन सी, के, ई, थायमिन B1, राइबोफ्लोविन B2, नियोसिन B3, पाइरोडॉक्सिन B6, फोलिक एसिड B9 और टेटोथेनिक एसिड भी होते हैं। कई सकारात्मक फल गुणों जैसे आकर्षण, स्वादिष्ट, पसंदीदा और खाने में आसानी के साथ साथ उनकी बहुत उपयोग कार्य क्षमता के बावजूद खुबानी कई कमजोर बिंदुओं से ग्रसित है। FSSAI के अनुसार सूखी खुबानी का अर्थ है ध्वनि पके फल प्रूनस अरबिनाइका एल के लिए तैयार उत्पाद, धूप में सुखाने या अन्य निर्जलीकरण विधियों द्वारा। उत्पाद में रंग, विशेषता, स्वाद और व्यवस्था होनी चाहिए। जीवित कीड़े या घुन से मुक्त और बाहरी और आपत्तिजनक पदार्थ से क्षेत्र मुक्त होना चाहिए। तो चलिए अब हम देख सकते हैं सूखे खुबानी का प्रसंस्करण। प्रयुक्त उपकरण और मशीनें: फल धोने की मशीन, पारंपरिक सल्फ्राइंग इकाई, भंडारण टंकी, सुखाने की ट्रे, सौर या यांत्रिक सुखाने इकाई, फॉर्म भरने वाली सील मशीन। कटाई: पारंपरिक रूप से खुबानी के पेड़ को हिलाकर और फल को जमीन पर गिरने दिया जाता था, और गड्ढे को बंद करने से पहले फल या तो ताज़ा खाया जाता था या धूप में सुखाया जाता था। पेड़ को हिलाने और फल को ज़मीन पर गिरने देने की ये प्रथा कई देशों में आम है, परंतु इसका परिणाम होता था क्षतिग्रस्त खरोच और फलों का गंदा होना। खराब गुणवत्ता वाले खुबानी से उच्च गुणवत्ता वाली सूखी खुबानी का उत्पाद नहीं किया जा सकता है, इसलिए कटाई की इस पद्धति को हतोत्साहित किया जाता है। क्षतिग्रस्त को कम करने के लिए पके पके फलों को पेड़ से तोड़कर जमीन से ऊपर फैली हुई चादर में इकट्ठा किया जाता है। खुबानी को हाथ से उठाकर कटाई की टोकरी में सावधानी से रखना चाहिए। कटाई की टोकरी और हार्वेस्टर के हाथ दोनों साफ होना चाहिए। फलों को छांटना: क्षतिग्रस्त और बूज फलों को अस्वीकार कर देना चाहिए, क्योंकि वे निम्न गुणवत्ता वाले सूखे खुबानी का उत्पाद करते हैं। अधपकी खुबानी को भी खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक बेरंग रंगहीन उत्पाद पैदा करता है और सल्फरिंग के दौरान पर्याप्त सल्फर डाइऑक्साइड का निरक्षण नहीं कर पाता है। अधिक पके खुबानी को भी खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि वे बहुत अधिक सल्फर डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। धोना: खुबानी को साफ पानी में धो लें। सूखे खुबानी के हलवे के उत्पाद के लिए खुबानी को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए और बीज हटा दिया जाना चाहिए। गड्ढे या पत्थरों को फलों से भरी टोकरियों में पानी चलाकर और हाथ से पत्थरों के बीच में फंसे फलों को अलग करके निकाला जाता है। सल्फरिंग: सल्फर डाइऑक्साइड खुबानी के चमकीले नारंगी रंग को बनाए रखने में मदद करेगी। खुबानी में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाने की दो विधियां हैं। उन्हें सोडियम मेटाबाइसल्फेट के घोल में डुबाया जा सकता है, जो कि सल्फेटिंग या ई चैम्बर कहते हैं,
जहां सल्फर है और इसे कहते हैं सल्फरिंग। सुखाना, धूप में सुखाना संरक्षण का सबसे पुराना रूप है, जिसे खुबानी और अन्य फलों के लिए जाना जाता है जो वर्तमान में प्रचलन में है। इसका मुख्य कारण है प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा की उपलब्धता, जो लगभग 5400 घंटे प्रतिदिन है, जो सुखाने के लिए सौर ऊर्जा को अनुकूलित करने के लिए आकर्षक बनाती है। धूप में सुखाने से सूखी खुबानी का उत्पाद कृत्रिम सुखाने की तुलना से अधिक वांछनीय रंग के साथ होता है। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए सुखाने की स्थिति की सार्वजनिक पूर्व निगरानी की जानी चाहिए, सूखी खुबानी उच्चतम गुणवत्ता का संभव है। इस प्रक्रिया के दौरान खुबानी को धूल, गंदगी, कीड़ों से दूषित होने से बचाने के लिए हल्के मलमल के धुंध या चीज क्लोथ से ढकना चाहिए। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले सूखे खुबानी के लिए मौसम में हल्की हवा के साथ गर्म और शुष्क होना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि खुबानी कम से कम समय में सूख जाए। यदि मौसम में बदलाव है और बरसात का मौसम है तो सुखाने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है और खुबानी की गुणवत्ता को भी कम करती है। इस दौरान सोलर ड्रायर का उपयोग करने से सुखाने का समय तेज हो जाता है और गंदगी और धूल से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। यदि फसल बरसात के मौसम के साथ मेल खाती है तो कृत्रिम ड्रायर का उपयोग करना आवश्यक हो सकता है। खुबानी एक ड्रायर में रखे और उनके कप ऊपर की ओर रखा जाना चाहिए और गीले आधार पर 15% की नमी की मात्रा में सुखाया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि खुबानी के हिस्सों को एक साथ बंद करके सूखने दिया गया हो और वे सभी टुकड़े एक ट्रे पर एक समान और एक ही आकार के हों, ताकि वे एक साथ एक ही समय पर सूखे जाएं। इस दौरान सोलर ड्रायर का उपयोग करने से सुखाने का समय तेज हो जाता है और गंदगी और धूल से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। पैकेजिंग, एक बार जब वे सूख जाते हैं तो खुबानी को कमरे के तापमान में ठंडा होने देना चाहिए। नमी प्रूफ पॉलिथीन बैग में पैक किया जाता है, इसे गर्म सील और लेबल किया जाना चाहिए। खुबानी को खराब होने से बचाने के लिए पैकेजिंग काफ़ी मोटी होनी चाहिए। पॉलिथीन सीलिंग मशीन के उपयोग से अधिक आकर्षण उत्पाद तैयार होगा। अब तक हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत PMFME योजना में सूखी खुबानी प्रोसेसिंग का प्रदर्शन देखा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ साझेदारी में मौजूदा माइक्रो के उन्नयन के लिए वित्तीय तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना PMFME योजना का अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्रीकरण शुरू किया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां दिए गए हमारे वेब लिंक पर जाएं। नमस्कार।